नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम बुक में। दोस्तों, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेज वन का रिजल्ट आपका आने वाला है और लगभग अप्रैल में, अप्रैल 15 अप्रैल तक आपका स्टेज टू स्किल टेस्ट जो है वो हो जाएगा। तो इसीलिए आप, आई होप कि आप तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। किस तरीके से कैसे करना है वो आपको आगे हम बताएंगे। दोस्तों, सबसे जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ ये है जो आपको समझ लेनी चाहिए कि आपने बहुत सारे YouTube वीडियोस में देखा होगा कि आप हाई कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आएगी वो आपको टाइप करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप जो है पूरी जानकारी से वंचित हैं। देखिए, पूरी जानकारी ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी पे आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, बट आपको साथ साथ टाइपिंग ट्यूटर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जबकि टाइपिंग ट्यूटर जो होता है बेसिक होता है, बट आपको उस पर करनी पड़ेगी। क्यों? मैं आपको, मेरे एक मित्र हैं राघव जी, वो अभी ऐसे इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेनोग्राफर का जो टाइपिंग टेस्ट था उसको देके आए। वो उन्होंने जो प्रॉब्लम बताई जो वहां हुआ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जो आपका टाइपिंग हुई, पहली बात तो टाइपिंग ट्यूटर पे हुई, कोई उनको हार्ड कॉपी नहीं दी गई, और टाइपिंग ट्यूटर पे भी जब दी गई तो टाइपिंग जो आपको, जो कंटेंट, जो मैटर आपको देख के टाइप करना था उसका फॉन्ट बहुत छोटा था और जो वर्ड हम टाइप कर रहे थे वो वर्ड ब्लर नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको फोकस बनाने में, जो आप टाइप कर ले रहे हो उसके बाद आपको कंफ्यूजन हो जाता है मैं कौन सी लाइन में था, तो वो चीज, वो बहुत सारी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से वहां बहुत सारे बच्चे जो है वो फेल हो गए, वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी नहीं ला पाए। तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की हार्ड कॉपी पे आप 2 शिफ्ट में अपनी टाइपिंग करिए। एक शिफ्ट में आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर को टाइप करिए, दूसरी शिफ्ट में आप जो भी बेसिक कोई भी आप टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड कर लीजिए उस पर टाइप कीजिए। कीज कैसे रखनी है, क्या करना है, क्योंकि मिनिमम 17 मार्क्स जो है वो लाने आवश्यक हैं, जरूरी हैं। तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, और यही मुझे आपको बताना था कि आप जो हैं कि सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑर्डर आएगा इसके चक्कर में मत रहिए, दोनों प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब मुश्किल से 15 दिन भी नहीं बचे हैं। और अगर आपका स्कोर अच्छा है और अगर आप पे टाइपिंग नहीं हुई तो लाइफ टाइम तक बहुत बड़ा आपको एक गम रहेगा, एक एक वो रहेगा कि यार मैं क्यों नहीं निकाल पाया। 4600 पेमेंट की जॉब है, अच्छी जॉब है, 55 हज़ार के करीब आपको सैलरी मिलेगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जॉब है। तो इसलिए आप प्रैक्टिसिंग करते रहिए, बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा, कोई भी फर्दर अपडेट होगा तो उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।